बोलो। आधी गुड़िया स्टार्ट करेगी, मैं से मतलब गुड़िया आने लगी ना मेरी वीडियो में, तो आप लोगों से गुड़िया भी बात करेगी। गुड़िया बोलो क्या बोलो? तो ना गाइस, मैं ना मतलब ऐसे ही लेटी हुई थी, पता नहीं क्या कर रही थी, तो मेरे को एकदम से आज वो आया कि जैसे हम वीडियो में स्टार्टिंग में हाय गाइस बोलते हैं, तो मैंने अपना मतलब अलग स्टाइल बनाया। तो अगर हम मुझे बोलती है मम्मी आप ऐसे स्टार्ट किया करो हमेशा बोल के, मैंने अपना अलग स्टाइल बनाया, सब अपना अलग स्टाइल करते हैं, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। मैं कहती हूँ कि तुम बोल दिया करना, मुझे जरूरत नहीं है बोलने की, हम तो जैसे सिंपल बोलते हैं वैसे ठीक है। गुड़िया कैसे बोलता बोल के बता। हेलो गाइस, नमस्ते, कोनिचिवा, नमस्ते, और आप सब कैसे हो? मैं होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हर वीडियो में तो गुड़िया ने क्या बोला है, जिसको आता होगा तो समझ में आ जाएगी, कमेंट करके बताना आप लोग गुड़िया ने क्या बोला। और मैं ये हर वीडियो में बोलूंगी, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता देना, और वैसे भी अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँ। वही चादर भी बिछा दी मैं, गुड़िया ने चादर भी ठीक कर दी, बैठी में बेटा अच्छा है, छुट्टिया भी बना लेना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने YouTube चैनल में, मैं अपने तरीके से ही करा करूंगी, गुड़िया अपने तरीके से बोलेगी, तो मुझे तो ऐसे ही आता बोलना सिंपल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस ये सुबह का काम मैं निपटा रही थी यहाँ पर, और जो उठा पुठा से भी उठा के रख रही थी, फैला हुआ था घर बहुत ज्यादा, तो बच्चे खाते पीते हैं खाना वहीं पे चीजें छोड़ देते हैं, बच्चों की आदत होती है ना कि कुछ भी काम ढंग से नहीं करना, तो सारे बर्तन वर्तन फैला देते हैं, वही सब मैं इकट्ठे करके एक तरफ रख रही थी, और इन्हें बस बर्तन धोना है और झाड़ू लगाऊंगी मैं, और थोड़ा सा किचन संभाला था मैंने। नाश्ता हमने कर लिया, नाश्ते में मैंने बनाए थे आज पराठे और बच्चों के लिए अंडे बनाए थे, उसी से नाश्ता कर लिया था हमने, और ये चाय पत्ती मुझे इसमें डालनी थी जार में जो खत्म हो गई थी लेकर आए थे, और बस झाड़ू लगा रही हूँ मैं अब। काम तो मेरा मतलब करते रहेंगे धीरे धीरे, काम तो सारा दिन खत्म होता ही नहीं है, आप लोगों को भी पता है काम तो पूरा दिन ही चलता है। बाल्टी इसीलिए रखी है कि ऐसे चलता उसका जो पानी टपकता पूरे में यहाँ पे गीला हो जाता है, पाइप वगैरह नहीं लगा रखा, तो यहाँ पे ये बाल्टी रख रखी है पानी के लिए, और ये फ्रिज रखने के लिए आप लोगों को मैं बता रही थी, जो अंदर रखना था, जब ये अंदर रखने की सोचते हैं तो थोड़ा ठंडा हो जाता है, फिर मौसम सही हो गया तो ज्यादा जरूरत नहीं लग रही, अभी तो देखते हैं, फिर गर्मी हो जाती है जब थोड़ी सी हीट छोड़ने लगती है दोनों चीजें, फ्रिज भी पीछे से ज्यादा हीट छोड़ता है तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, और एसी की भी मिलके, तो जब लगता है कि इसे यहाँ से हटा देना चाहिए, तो जैसे ही सोचते हैं तो मौसम ठंडा हो जाता है, इसे हम रख ही नहीं पा रहे हैं, देखते हैं फिर बाद में करके। और पन्नियां वगैरह सब देखिए कितनी निकली है, बच्चों ने जो रैपर खा के फेंके है, ये लेज के गुड़िया खाती है तो वहीं फेंक देती है, ये सब कूड़े में इकट्ठे होकर ऐसे लग रहा पता नहीं कितने दिन से झाड़ू नहीं लगाई है, और झाड़ू तो दिन में 3-4 बार लगी जाती है, पता नहीं बच्चे बहुत गंदा करते हैं। और यहाँ पे बैठे चाय पी रहे थे, बस शाम का टाइम है और टीवी देख रहे थे, ये भी बैठे थे साथ में, और गुड़िया है, गुड्डू बैठा होगा दूसरे रूम में क्योंकि वो, और गुड्डू पबजी खेल रहा होगा, उसे ज्यादा तो नहीं खेलने देते अब हम, अब थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा फर्क है, अब तो बहुत कम खेलता है, बहनों के बच्चे बोलते हैं, भाई का बेटा भी खेलता है, तो वो अब लोगों को पता ही है, सब बच्चे जब मिल जाते हैं साथ में तो फिर थोड़ा बहुत आधा पौना घंटा दिन में एक बार खेल लेते हैं, बच्चे कहाँ मानते हैं, गेम वगैरह तो सब खेलते हैं, अब खाली है जैसे स्कूल नहीं जाना हो रहा तो अब तो थोड़ा टाइम इनको मिल रहा है, इसीलिए स्कूल में बिजी हो जाते हैं जब, तो ये खेलते तो जरूर है रात के टाइम खेल लेते हैं, और फिर ये है कि स्कूल जाना होता है, ट्यूशन होता है, तो उस चक्कर में फिर कम खेल पाते हैं।
और बस ये आया है अभी स्कूटी चला के। स्कूटी रोज चलानी पड़ेगी क्योंकि उसका इंजन बंधवाया, तो इसीलिए मैकेनिक ने बोला कि 1000 किलोमीटर तो जरूर चलनी चाहिए ये स्कूटी, और किसी को बैठा के नहीं चलाना, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा चला रहे हैं। क्योंकि फिर कहीं भी जाना होता है तो हम दोनों तो जाते ही जाते हैं, अभी मैं भी नहीं बैठ सकती उस पे, तो इसलिए अभी स्कूटी चला के आए हैं और ना आए हैं तो थोड़ी थोड़ी चला लेते हैं। सब खाने का देखेंगे क्या बनाना है, और गुड़िया बैठी है मेरे पास, ये मेरी नेल पेंट चेक करती रहती है और कुछ ना कुछ बनाती रहती है, नेल आर्ट वगैरह। गुड़िया कह रही मम्मी गांव में मुझे एक चीज है जो अच्छी नहीं लगती, ये एक सवाल जो लोग करते हैं वहां पे बड़ा इरिटेट करने वाला है, तो इसी बात पे उसकी सब हंस रहे थे। कह रही ये इरिटेट करने वाला सवाल है, ये सभी लोग पकड़ पकड़ के यूं पूछते हैं किसकी है, कहां से आए हो, तो फिर मैंने उसे बताया गांव में ऐसे ही बोलते हैं, सब बच्चों को देखते हैं तो बच्चों से पूछते हैं, और यहाँ दिल्ली में कोई किसी से मतलब नहीं रखता। तो आज मेरी वीडियो छोटी बन पाई, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।